सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। खुफिया एजेंसियों ने हमले का अलर्ट जारी किया है। आत्मघाती हमले की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में हमले की बड़ी साजिश रची जा रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की साजिश रची है। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आतंकी संगठन अयोध्या में श्री राम मंदिर पर हमले करने के प्लान कर रहा है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि हमला करने के लिए पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की साजिश रची है। हमला करने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में सुसाइड स्क्वाड यानी कि आत्मघाती हमलावर का दस्ता भेजकर हमले का प्लान है। आपको यह भी बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण का 50% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। जहां राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वहां सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद है और इस अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ज्यादा और अलर्ट हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर से और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या इनपुट मिले हैं इस साजिश को लेकर और अब क्या तैयारी है? क्योंकि अगर अयोध्या की बात की जाए तो पहले से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, अब और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जिनसे तमाम सारी पूछताछ हुई है, कड़ाई सुनकर जब पूछताछ हुई है तो ये बात पता चला है कि आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं मुल्क के उस पार, यानी कि पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। उनमें अगर बात करें तो खासतौर से दिल्ली में जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की परेड होने वाली है उस पर अगर बात की तो उस पर भी हाई अलर्ट रखा गया। इसके साथ साथ अयोध्या में जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसको लेकर के भी हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि आतंकी जो है वो लगातार भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई सालों से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। लिहाजा किस तरीके से भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए इसको लेकर के वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जब दिल्ली पुलिस ने दो आतंकवादी को गिरफ्तार किया है तो उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो नेपाल के रास्ते भारत प्रवेश करने की कोशिश में है और भारत के अंदर कई सारे स्पॉट जो है उनके टारगेट में है। लिहाजा उसी के बाद आईबी को जब ये रिपोर्ट गई तो आईबी ने जारी किया है में जिस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर में निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण कार्य को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर के निर्माण कार्य हो रहा है और 2024 में जिस तरीके से मंदिर का शिलान कहिए कि ओपनिंग होनी है, वहां पे तमाम सारे लोगों को दर्शन करने के लिए जाना है, खुद इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, तो इसके बाद से लगातार हाई अलर्ट पे राम जन्मभूमि मंदिर है और आईबी के अलर्ट के बाद और भी वहां पे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात होंगे बल्कि केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात होंगे, खासतौर से सीआरपीएफ के जो जवान है उनको तैनात किया जाएगा जिससे कि कई सारे आतंकी संगठन लगातार अयोध्या को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, शैलेश का भी रुख कर लेते हैं। शैलेश, आत्मघाती हमले का अलर्ट और अयोध्या पर इस बार आतंकियों की नजर है, क्या और इनपुट मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को और अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे कैसे और चाक चौबंद किया जा रहा है? क्योंकि आने वाले समय में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा होना है, दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस है, तो कैसे अब अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अगर बात करें रामनगरी अयोध्या की तो राम मंदिर परिसर जो है वहाँ पर देखिए अंदर सीआरपीएफ की बटालियन रहती है, बाहर अगर आप देखें तो पीएसी और जो लोकल पुलिस है उसका पूरा पहरा रहता है। इसके अलावा एटीएस की भी निगाह रहती है, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो भी वहाँ पर अपना काम लगातार करती रहती है। लेकिन इस अलर्ट के बाद अब वहाँ पर इस सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है और जो हनुमानगढ़ी से चाहे रामलला की तरफ जाने वाला रास्ता हो जहाँ से आगे गाड़ियों को हर गाड़ी को अनुमति नहीं होती है, इसके अलावा अगर बात करें जो बाकी रास्ते रामलला की तरफ जाते हैं वहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। और देखिए, आपको भी याद होगा जो 5 जुलाई 2005 की घटना अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती है जब भी वो तारीख आए या जब भी इस तरह का कोई अलर्ट आए, क्योंकि यही वो तारीख थी जब अयोध्या में राम मंदिर अस्थाई, देखिए तब तो टेंट के नीचे भगवान राम हुआ करते थे और उस समय की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से आतंकियों ने एक बार आत्मघाती हमला ही था, वो भी देखिए जो हम सुसाइड बॉम्बर की बात करते हैं वहाँ पर भी देखिए आत्मघाती हमला था जिसमें 5 आतंकी मारे गए थे, जीप से गए थे, उन्होंने बैरिकेटिंग को बम से उड़ा दिया था, बारूद भर के लेके गए थे, हालांकि 5 आतंकवादी उसमें मारे गए थे, कुछ को बाद में सजा भी दी गई, लेकिन
जिस तरह से उसके बाद से इस घटना के बाद से अयोध्या की रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया। जब से राम मंदिर पर फैसला आया और उसके बाद उसका निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, अब तक 50-60% के बीच में काम हो चुका है, 60% के आसपास हो चुका है। तो ऐसे में अब वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और उसको ज्यादा कड़ा कर दिया गया। इसके अलावा जितनी भी लोकल इंटेलिजेंस की चाहे बात करें, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसकी बात करें, उन सभी से भी लगातार उनको सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। जब 2005 की घटना का देखिए हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जब भी इस तरह के आत्मघाती हमले होते हैं, यानी जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो हमेशा या तो आम जनता की तरह से इस तरह से वो जाते हैं कि कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए। 2005 की घटना को आप देखिए, श्रद्धालुओं के तरह से वो लोग वहां पर गए थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन तब चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जो इनपुट मिले हैं उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर है और हर संभव कोशिश की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका भी और शैलेश आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।